बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अ पोएम एमोर अमेरिका, रिटन बाय पाब्लो नेरुदा। स्टूडेंट्स, पाब्लो नेरुदा वाज बोर्न ऑन 12 जुलाई 1904 एंड हिज फुल नेम वाज रिकार्डो नेफ्ताली राइस बसाल्टो। पाब्लो नेरुदा वाज हिज पेन नेम and he was one of the most important Latin American poets of 20th century and he was awarded Nobel Prize for Literature in 1971. स्टूडेंट्स, स्टार्ट में इनकी राइटिंग्स इनके पर्सनल इमोशंस के बारे में थी, बट ओवर टाइम ही शिफ्टेड हिज फोकस टू द लैटिन अमेरिकन रूट्स एंड पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक इश्यूज ऑफ द रीजन। फिर वो बहुत लीडिंग सोशलिस्ट बन गए और चिलियन डिप्लोमेटिक कॉर्प्स के मेंबर भी रहे। फिर इन्हें एक्साइल पर भेज दिया गया और अपने कंटेम्प्रेरीज की तरह इन पर भी स्पेनिश सिविल वार का बहुत ज़्यादा इफेक्ट था। स्टूडेंट्स, पाब्लो नेरुदा वॉज सच अ चिलियन, सच अ लैटिन अमेरिकन हु केयर्ड सो मच फॉर हिज कंट्री एंड इट्स पीपल, एंड हिज पीपल वर हिज कॉज एंड हिज प्राइड। एंड द पोएम विच वी आर गोइंग टू डिस्कस, एमोर अमेरिका, इज एक्चुअली द ओपनिंग पोएम ऑफ हिज लॉन्ग एपिक पोएम कैंटो जनरल। एमोर अमेरिका जो है वो कैंटो जनरल में शामिल है, और बल्कि इसकी ओपनिंग पोएम है। एंड कैंटो जनरल इज़ एक्चुअली द एक्सप्रेशन ऑफ हिज पैशन फॉर हिज कॉन्टिनेंट। स्टूडेंट्स, कैंटो जनरल एक एपिक पोएम है और अमेरिका की हिस्ट्री को मार्क्सिस्ट और ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव से इसकी इंटरप्रिटेशन करती है। एंड दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक अमंग वर्ल्ड्स पोइट्री। ये पोएम जो है अमेरिका की हिस्ट्री को बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बयान करती है, कंकरर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बल्कि कंकर्ड के, बल्कि नेटिव्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हिस्ट्री को बयान करती है। और ये पोएम जो हम पढ़ने जा रहे हैं, एमोर अमेरिका 1400, ये पोएम जो है ये ओपनिंग पोएम है कैंटो जनरल की। सो स्टूडेंट्स, ये पोएम एमोर अमेरिका जो है ये स्पेनिश कॉन्क्वेस्ट से पहले अमेरिका की प्राइमरी पिक्चर को बयान करती है, इसकी ज्योग्राफी को और इसके अर्ली कल्चर को बयान करती है। स्टूडेंट्स, इस पोएम में कोई ख़ास स्ट्रक्चरल यूनिटी हमें नज़र नहीं आती, कहीं पे राइम लाइंस हमें नज़र आती हैं, कहीं पे राइम नहीं है, और इट इज़ फुल ऑफ लिटरेरी डिवाइसेस। इस पे बहुत से मेटाफर्स, सिमिलीज यूज़ हुई हैं, और लेट्स स्टार्ट द पोएम, देन वील डिस्कस लिटरेरी डिवाइसेस आल्सो। साथ साथ हम ये चीज़ें डिस्कस करते जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द पोएम। बिफोर द विग एंड द ड्रेस कोड, बिफोर द विग एंड द ड्रेस कोड्स, विग और ड्रेस कोड से पहले, देवर रिवर्स, आर्टेरियल रिवर्स, देवर कॉर्डिलेरास, जैग्ड वेव्स, वेयर द कॉन्डोर एंड द स्नो सीम्ड इम्यूटेबल, देवर डैम्पनेस एंड डेंस ग्रोथ, द थंडर एज येट अननेम्ड, द प्लेनेटरी पैम्पास, देवर विग्स एंड कोड्स। विग्स बिफोर वीक्स एंड कोर्ट्स, वीक्स और कोर्ट्स से पहले दरिया थे, आर्टेरियल रिवर्स, छोटे छोटे दरिया थे, आर्टेरियल रिवर्स मावन दरियाओं को कहते हैं। एमोर अमेरिका में नेरुदा ने अमेरिकन जेनेसिस का आइडिया दिया है, जो कि कोलंबस के अराइवल से पहले जन्नत का नक्शा पेश करता था। ये बिल्कुल बाइबल में जेनेसिस की डिस्क्रिप्शन से रिलेट करता है, जहाँ जन्नत में, जहाँ सैटर्न की दखल अंदाजी से पहले इंसान बहुत सुख से रहता था, बिल्कुल ऐसे ही प्री कोलंबियन अमेरिका को प्रेजेंट किया गया है। तो नेरुदा का कहना है कि विग और कोट से पहले ऑल वॉज प्योर। अब ये यहाँ पे विग एंड कोट एक्चुअली सिम्बलाइज द कंकरर्स, द स्पेनिश, ठीक है। तो वो कहते हैं कि विग और कोट से पहले फितरत अपनी तमाम खूबसूरती के साथ मौजूद थी, नेटिव्स ज़मीन से ख़ास रिश्ता रखते थे, दरिया थे, मावन दरिया थे। नेक्स्ट वो देयर वर कॉर्डिलेरास, जैग्ड वेव्स, वेयर द कॉन्डोर एंड द स्नो सीम्ड इम्यूटेबल। देयर वर कॉर्डिलेरास, कॉर्डिलेरास का मतलब होता है स्टूडेंट्स माउंटेन रेंजेस,
यानी कि माउंटेन रेंजेस थी, पहाड़ी सिलसिले थे जिन पर बर्फ पड़ी रहती थी, सीम्ड इम्यूटेबल। इम्यूटेबल यानी कि वो बिल्कुल स्टिल थी, स्टिल बर्फ पड़ी रहती थी, और यानी कि ग्लेशियर की टाइप में। ये सो कॉल्ड सिविलाइजेशन से पहले की प्योर पिक्चर, प्योर नेचर की डिस्क्रिप्शन दी गई है, ठीक है। और मतलब ये कि नेचर अपनी फुल खूबसूरती के साथ, फुल प्योरिटी के साथ मौजूद थी। नेक्स्ट, देयर वर डैम्पनेस एंड डेंस ग्रोथ। डैम्पनेस थी, नमी थी, डेंस ग्रोथ यानी कि जंगलात की ग्रोथ थी, ट्रीज़ की ग्रोथ थी, बहुत ज़्यादा जंगलात थे, बहुत ज़्यादा नमी थी। जंगलात यूँ नहीं, जंगलात की वजह से जो एटमॉस्फेयर अच्छा होता है, नमी होती है, तो जंगलात की वजह से वेदर फाइन रहता था। द थंडर एज येट अननेम्ड, और थंडर गरज चमक थी, और उसका अभी तक अननेम्ड थी वो, उसका कोई नाम नहीं था, यानी कि नेटिव्स दे वर सो मच इनोसेंट दैट दे वर अनएबल टू गिव द नेम टू द थिंग्स। द प्लेनेटरी पैम्पर्स, प्लेनेटरी पैम्पर्स यानी कि और बिल्कुल प्लेनेट की तरह के जो हैं वो सियारों जैसे मैदान थे। सियारों जैसे मैदान का कहने का मतलब कि सियारों तक अप्रोच नहीं है ना इंसान की, दे आर प्योर, और वहाँ पे इंसान की इंटरफेरेंस नहीं है, मतलब इंसान की दखल अंदाजी से ये प्लेन्स जो हैं वो बचे हुए थे, ये मैदान बचे हुए थे, यानी कि अपनी प्योर शेप में थे। नेक्स्ट पोइट कहता है कि मैन वॉज डस्ट अर्थन वेस एन आई लिड, मैन वॉज डस्ट, इंसान मिट्टी था, कि मिट्टी से उसका, ज़मीन से उसका गहरा ताल्लुक था। अर्थन वेस, वो एक एक मिट्टी से बने हुए बर्तन की तरह था। एन आई लिड ऑफ ट्रेमुलस लॉम, और उस यानी कि एक कपकपाती हुई, कांपती हुई आई लिड थी। लेकिन ये इन नेचुरल ऑब्जेक्ट्स की के से वो जो है ना रिलेट करके प्योरिटी को एक्चुअली वो डिस्क्राइब किया जा रहा है, कि इंसान ज़मीन था, यानी कि ज़मीन से उसका गहरा ताल्लुक था, वो इन नेचुरल ऑब्जेक्ट्स की केयर करता था, मिट्टी का बर्तन था, यानी इस ज़मीन की मिट्टी से वो तख्लीक हुआ था, इसी ज़मीन की मिट्टी से, इसलिए वो उससे मोहब्बत करता था। कांपती हुई मिट्टी का आईलेट था, एंड शेप ऑफ द क्ले, और वो मिट्टी की एक शक्ल था, इनके मिट्टी से उसको ज़मीन के साथ जो है वो रिलेट किया गया है, कि नेटिव्स उसकी उनकी एक्चुअली नेटिव्स को के साथ, नेटिव्स की अपनी ज़मीन के साथ मोहब्बत को डिस्क्राइब किया जा रहा है यहाँ पे। एक्चुअली दिस डिस्क्रिप्शन शोज द प्योरिटी ऑफ अर्थ नेचर ऑफ प्री कोलम्बियन अमेरिका। द नेटिव्स वर सो इनोसेंट एंड दे लव्ड देयर लैंड सो मच। He was a carib jug, chipcha stone, imperial cup of Araucanian silica. He was a carib jug. वो कैरेबियन जग था, कैरेबियन की मिट्टी का बना हुआ जग था। कैरेबियन एक्चुअली कैरेबियन सी पर मुश्तमिल एक रीजन है, और इसमें और भी बहुत सारे आइलैंड शामिल हैं, वेस्ट इंडीज़ भी इसी में शामिल है। तो इस कैरेबियन जग से का मतलब ये है कि वो यहाँ पे फिर मिट्टी से मोहब्बत, लैंड से मोहब्बत जो है वो शो की जा रही है, कि उससे अपनी ज़मीन से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। नेक्स्ट वो कहते हैं चिपचा स्टोन, ही वाज़ अ चिपचा स्टोन। चिपचा एक्चुअली कोलंबिया और सेंट्रल अमेरिका में बोली जाने वाली एक ज़ुबान थी, जो कि अब एक्सटिंक्ट हो चुकी है, अब बोली नहीं जाती, भूल चुके हैं लोग। इन प्राइमरी चीज़ों के साथ रिलेट किया जा रहा है, उन चीज़ों को, उनके एक्चुअली उनके कल्चर को बयान किया जा रहा है, उनकी मोहब्बत को अपनी ज़मीन के साथ, अपनी ज़ुबान की ज़ुबान के साथ मोहब्बत को बयान किया जा रहा है। वो कहता है इम्पीरियल कप ऑफ अरोकेनियन सिलिका, शहनशाही वो कप था, अरोकेनियन पत्थर था, एक अरोकेनियन पत्थर था। अरोकेनियन जो है वो साउथ अमेरिका में रहने वाले लोगों को कहते हैं। तो यहाँ पे हम देखें कि इंसानों के लिए पॉट्स और पत्थरों का मेटाफर यूज़ किया गया है। असल में क्ले पॉट्स और सैंड स्टोन्स जो होते हैं वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में होते हैं, तो प्री कोलंबियन प्योरिटी को शो करने के लिए ये मेटाफर यूज़ किए गए हैं, ठीक है। टेंडर एंड ब्लडी ही वॉज, बट ऑन द ग्रिप ऑफ हिज वेपन ऑफ मॉइस्ट फ्लिंट द इनिशियल ऑफ द अर्थ वर रिटन।
टेंडर एंड ब्लडी वास ही, वो नरमो नाजिक भी था और ब्लडी ब्लड से यानी कि खून खुआर भी था, ठीक है। बट ऑन द ग्रिप ऑफ हिज वेपन ऑफ मॉइस्ट फ्लिंट, उसके नम हथियार के दस्ते पर, ग्रिप पर, द इनिशियल ऑफ द अर्थ वर रिटन, ज़मीन के इब्तदाइये लिखे गए थे, ज़मीन की इनिशियल वर्ड्स लिखे गए थे, ज़मीन की ओरिजिन लिखी हुई थी। यहाँ पे यहाँ तक जो है वो प्राइमरी कल्चर को बयान किया गया है, प्राइमरी यानी कि प्री कोलंबियन अमेरिका को बयान किया गया है। इसे नेक्स्ट हम देखेंगे तो आफ्टर कॉन्क्वेस्ट जो है वो डिस्क्रिप्शन दी जा रही है। नो वन कुड रिमेंबर देम आफ्टर वर्ड, लेकिन अब वो पीछे कहा गया है कि उसके वो जो नेटिव्स थे वो नरम नाजुक भी थे और खून खुआर भी थे, उनके हथियारों के दस्ते पर ज़मीन के इनिशियल्स लिखे गए थे, ज़मीन जो प्राइमरी लैंग्वेजेस थी, प्राइमरी कल्चर था वो था उनका। और लेकिन यहाँ पे अब वो कहा जा रहा है नो वन कुड रिमेंबर देम आफ्टर वर्ड, यहाँ से स्पेनिश कॉन्क्वेस्ट के बाद की डिस्क्रिप्शन दी जा रही है। कहते कोई भी नहीं इन्हें बाद में याद रख सका, द विंड फॉरगेट देम, हवा ने उन्हें भुला दिया, द लैंग्वेज ऑफ वाटर वॉज बरीड, पानी की जुबान दफन हो गई, यानी वो रिवर्स अपनी यूनिकनेस और अपनी प्योरिटी खो चुके, द कीज वर लॉस्ट, कीज गुम हो गई, यानी वो कल्चर ही ख़त्म हो गया, वो प्योरिटी ख़त्म हो गई और वापसी का कोई रास्ता बाकी नहीं रहा, या फिर ये कि वो कीज़ वापस जाने का जो दरवाज़ा था उसकी की गुम हो गई, वो कीज़ ही नहीं रही, वापसी का रास्ता ही नहीं रहा, वॉज बरीड, द कीज़ वर लॉस्ट और फ्लडेड विद द साइलेंस और ब्लड, या तो वो कीज़ गुम हो गई या फिर खामोशी या ब्लड में गुम हो गई। अब साइलेंस इज़ अ मेटाफर फॉर नेटिव्स, साइलेंस जो है वो मेटाफर है नेटिव्स के लिए जो स्पेनिश कंकरर्स के सामने हेल्पलेस थे, अपने हेरिटेज को, अपने कल्चर को लूटते हुए तबाह होते हुए देखते रहे और कुछ ना बोल सके। और ब्लड इज़ मेटाफर फॉर कंकरर्स, जिन्होंने अपनी ब्रूटल फोर्स से नेटिव्स का कल्चर ख़त्म करके अपने सो कॉल्ड सिविलाइज कल्चर की इब्तदा की थी। जी, लाइफ वॉज नॉट लॉस्ट, ज़िंदगी खोई नहीं थी। पेस्ट्रल ब्रदर यहाँ पे वो अपने जो बाकी सब लोगों के साथ खुद को आइडेंटिफाई कर रहा है कि ये सब उनको अपना भाई कह रहा है कि ज़िंदगी खोई नहीं थी मेरे पेस्ट्रल ब्रदर्स, बट लाइक अ वाइट रोज़, लेकिन एक वाइट रोज़ की तरह, यहाँ से मिली यूज़ हुई है वाइट रोज़ जो है एक्चुअली यूज़ हुआ है स्पेनिश कंकरर्स के लिए, वाइट रोज़, बट लाइक अ वाइल्ड रोज़ अ रेड ड्रॉप फेल इनटू द डेंस ग्रोथ, डेंस ग्रोथ जंगलात में एक रेड ड्रॉप गिरा, तारीकी में, ठीक है, एक रेड ड्रॉप गिरा, द लैम्प ऑफ अर्थ वॉज एस एक्सटिंग्विश्ड, और ज़मीन का दिया बुझ गया, ज़मीन का चिराग बुझ गया, यूरोपियंस ने इस एंशियंट कल्चर के लैम्प को बुझा दिया, नेरुदा ने स्पेनिश कॉन्क्वेस्ट को एक ट्रेजिक इनजस्टिस के तौर पे पेश किया है, नेरुदा ने यहाँ पे यूरोपियन को बार्बरस और रथलेस दिखाया है, वाइल्ड रोज और रेड ड्रॉप ये दोनों यूरोपियन की ब्लड शेडिंग और ब्रूटल एक्टिविटीज़ और नेचर के लिए मेटाफर हैं, उनकी ब्रूटल नेचर के लिए मेटाफर हैं, उनकी ब्लड शेडिंग एक्टिविटीज़ के लिए मेटाफर हैं ये रेड ड्रॉप्स और वाइल्ड रोज, वाइल्ड रोज उनकी वहशी और के मतलब ब्रूटल नेचर को शो करता है, और कहते हैं कि खून का कतरा गिरा और अमेरिका की जो है वो एडनिक हिस्ट्री जन्नत नुमा तारीख का पहला फेज ख़त्म हो गया। सो स्टूडेंट्स, दिस वॉज ऑल अबाउट एमोर अमेरिका, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पॉइंट। सो नेक्स्ट लेक्चर तक लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अल्लाह हाफिज़।